पूरे 25 घंटे हो गए हैं हमें सफर करते हुए और अभी तक हम घर नहीं पहुंचे। ये सफर है बहुत लंबा। प्लान तो था लोकल जाएंगे, अब हमदा साहब की सुई अड़ी थी बाइक पे जाना है, मगर बाइक पे जाते कैसे, ट्यूनिंग तो इसकी होने वाली थी तो मैं पहुंचा सीधा ट्यूनिंग करवाने। और लगे हुए हैं नान साहब, इधर आए नान साहब, लगे हैं खुद करने। लेकिन ईद पे तो दुकानें बंद नहीं होती मोस्टली। भाई जुगाड़ लगाया हमने। पेट्रोल के बिना कैसे जा सकते हैं और कितनी बाइक्स जा रही हैं, सवाल ये है। 1, 2, 3, 4 और 5। जो लास्ट व्लॉग में बाइक नहीं थी मिल रही वो लेकर क्या हुआ था कजन, अगर नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। हम जा रहे हैं सारे जो पीछे बाइक से, अच्छा ठीक रस्ते में चल के मैं बताता हूँ। अच्छा मेरे साथ जो जा रहे हैं वो ये है हसनात, अली भाई, माना, अताबिक, उमेर, हसन, अली, मैं और हमजा। मीटर इस टाइम 00 है। गुजरांवाला से हम निकले हैं और आहिस्ता आहिस्ता वजीराबाद हम पहुंचे हैं। थोड़ा सफर करने के बाद हम इस वक्त हैं गुजरात में और रास्ते में ही आता है दौलत नगर और फिर आता है 3 घंटे की मुसाफत के बाद खारियों के बाद अब जेलम। अब कोशिश तो ये है कि रास्ते में ना रुकें, मगर अब दिन भी चढ़ रहा है, नमाज का भी टाइम हो रहा है तो वुजू कर रहे हैं सब लोग और इतने में नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ेंगे पहले। सूरज का तो पता नहीं कब निकलना है, बहरहाल हम लेट हो रहे हैं इसलिए निकलेंगे अब। अरे उधर तो देखो सूरज निकल रहा है, अरे गाड़ी रोको गाड़ी रोको 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 यार, रोक भी दो ना, क्या करे वो देखो। और फिर क्या था, अपन भी आया था और पकड़ी स्पीड फिर। ओए अरे इनको देख ये कैसे तैयार होके जा रहे हैं और हम ट्राउजर शर्ट और चप्पल, वाह। ये है वो गोल चक्कर और वो रोड जाती है सीधा मरी को और ये सारा रश, ये मोटरसाइकिल सारी लाइन खड़ी है और वो वहाँ पे भी रश किसी को नहीं जाने दे रहे, सिर्फ गाड़ियाँ जा रही हैं और वो भी कमो बेशी। अरे खत्म नहीं हुआ, लेट मी एक्सप्लेन हम कैसे गए। इस्लामाबाद का गोल रोड, ये जाता है ऐसे मरी को और ये वापसी, ये मरी जा रहा है और ये वापस आ रहा है। हम यहाँ से निकले वन वे हुए, यहाँ एक हिस्सा आता है इस रोड पे जाने के लिए, वन वे होके गलत रास्ते से सीधा इस रोड पे मरी रोड पे, आगे लगे थे नाके, यहाँ से हुए अंगूरी रोड पे, ये जाता है सीधा न्यू मरी। आई समझ, दोबारा देख लें। ये सब अंगूरी रोड के मनाजिर हैं, बहुत अच्छे और खाबड़ टाबड़ जो टोए हैं, बहुत ऑफ रोड है और ये जो चैन से आवाज़ आ रही है ये इसी टोयों की वजह से आ रही है, बाज गई है इनकी। एक तो ट्रैफिक और ऊपर से गर्मी, अल्लाह ही बचाए यार। ओहो ये जो रोड है ये दरिया नीलम को जाती है, ये सारी ऐसे ही ऑफ रोड है, सारी टूटी फूटी है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा रास्ता है और जो इनका मेन रास्ता है वो इन्होंने नाके लगा के बंद किया है, ईद के दिन है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके कोई सही रोड आई है और हम तकरीबन दरिया नीलम के पास पहुंच चुके हैं और वो यहाँ से नज़र भी आ रहा है, वाह सुभान माशाल्लाह। आज ईद का तीसरा दिन है, पहला दिन सो के और खा पी के गुजारा, दूसरा दिन सो के खा के और ना आगे, तीसरा दिन
यार दरिया नीले सब जा रहे हैं फिलहाल, देखो पता नहीं कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं। घर जाने का दिल कर रहा है पर क्या करें बाबा जी, घर तो जाना है और ये ऊपर से ट्रैफिक, ये रुक रुक के चलना बहुत मुसीबत है यार, सच में मानो या ना मानो बहुत मुश्किल होती है हमें। अब ऐसा ऐसा निकले तो हैं, देखो रास्ता मिल जाए। अब भाइया सही चढ़ाइया, ये देख यार भूख लगी थी, यहाँ से खाना खाया, अब सीधा जाएंगे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से सीधा गुजरांवाला। हम निकले थे सीधा इस्लामाबाद जाने के लिए, पर इसकी जो हमदा की बाइक है वो ख़राब हो चुकी है, उसकी कोई हब का मसला हुआ है, अब वो ये सही कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई यहाँ से कोई आ जाए बंदा उसे हेल्प लें, नहीं तो पता नहीं अब क्या होना है, कुछ नहीं पता अब पता है नहीं चलने फिर। यार जैसे जैसे शाम हो रही है ना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, दिन में थोड़ी बहुत गर्मी हुई थी लेकिन अब यह कि टेम्परेचर गिर रहा है तो इसलिए ये पहन लिया, फिलहाल इसने भी पहन लिया है, उसने भी पहन लिया है, और इन साहब को बहुत गर्मी लग रही है, इन्होंने परना गीला करके लिया हुआ है, इसका मतलब है अब शादी जल्दी करा लें इंशाल्लाह। ये पीछे नाका लगा हुआ है, यहाँ पे अली को पकड़ लिया पुलिस वाले ने, उसके गाड़ी के कागज अताबिक के पास थे, अब अताबिक गया है अली के पास कागज लेके, अब देखो क्या बनता है, जुर्माना होता है कि कागज दे के छोड़ देते हैं। कहते कल रात 2 बजे से मैं बाइक चला रहा हूँ, इस वक्त मेरे बम की बम 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 हो चुकी है, मैंने ताबी को कहे बाइक चलाए, मेरे से नहीं चल रही बस, अब यार एक ट्रैफिक भी बहुत है। इस्लामाबाद की पुलिस ने रास्ता ही बंद कर दिया इस्लामाबाद जाने वाला, ये सारी लाइन इस्लामाबाद जाने के लिए खड़ी है मगर कोई भी नहीं जा रहा, अल्लाह अल्लाह करके ये ट्रैफिक खत्म हुई है और हमारी जान छुटी है और हम जा रहे हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। देखने ये सीट पे बैठ बैठ के क्या हाल हो गया यार, देखो एक हो रहा है, मुझे और अली भाई को इस वक्त फुल नींद आ रही थी, हम ऐसे ऐसे हो रहे थे मोटरसाइकिल पे, अब मुँह धोया तो फिर थोड़ा बेहतर लग रहा है अभी। टाइम हो रहा है इस वक्त 12:06 और इनको फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अब यहाँ पे दोबारा खड़ा होकर इनका इंतज़ार कर रहा हूँ, इनको क्या मसला दोबारा दरपेश आया, अब हल कर रहे हैं जाके। नींद बड़ी कमाल की आ रही है, मगर हम सो जाते ना उस वक्त तो हम, लेकिन मैं और अली भाई हम दोनों दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते हसनात लोगों तक पहुँचे किसी भी तरह करके, ऐसे आँखें खोल खोल के, अली भाई की हिम्मत है, अली भाई चलाई जा रहे थे, मैं पीछे बैठ के फिर भी सो गया था, पता ही नहीं चला कब बांख लगी, और तब बांख खुली जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे पहुँचे तब तो उनकी हालत ये थी 1:06 और टायर का ये हाल हो चुका है। हसनात की बाइक हम गुजरात से चला के गुजरांवाला लाए, 1.5 घंटे का सफ़र, टायर टूटा हुआ था और हम उसको सीधा चला के लाए गुजरांवाला तक, पूरे 25 घंटे हो गए हमें सफ़र करते हुए और अभी तक हम घर नहीं पहुँचे। A few minutes later, टाइम हुआ 3 और जो बाइक चली है वो 639 किलोमीटर चली है पूरे 25 घंटों में और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच चुके हैं। देख लो कह रहा मैंने वीडियो बना लेना, वीडियो गिला नहीं होने दे रहा खुद को।